और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल व्लॉग विद क्रेजी राइडर्स। दोस्तों आज हम जा रहे हैं हर्षिल वैली, नवंबर 27, और दोस्तों पूरी रात राइड करेंगे। सुबह मंसूरी पहुंचेंगे, मंसूरी से फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। और मैं हूं और मेरे साथ हैं धीरज चौधरी और उनका एक फ्रेंड है साथ में, उसका नाम भी करण है। तो हम लोग जा रहे हैं हर्षिल वैली, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हर्षिल वैली। दोस्तों देखो यहाँ के नज़ारे, ये देखो दोस्तों कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और ऐसे ही व्यू आपको अभी और आगे भी दिखाऊंगा मैं, क्योंकि अब हम पहुंचने ही वाले हैं, मतलब अभी शाम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे हम। तो आपको दिखाते हैं उत्तरकाशी के रास्ते में, ये जो आपको हिमालय दिखा रहे हैं हम, ये हिमालय उत्तरकाशी के रास्ते में पड़ रहा है। दोस्तों ये है भागीरथी, ये देखो आप नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो, हाँ टीरी डैम वाली, हाँ और अब हम लोग ढूंढ रहे हैं कैंपिंग के लिए जगह, और चलिए देखते हैं कहीं अच्छी सी जगह मिल जाए कैंपिंग की। ये है हिना नाम है इस जगह का, जहाँ हम आज रात को रुकने वाले हैं, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फाइनली दोस्तों हमें एक जगह मिल गई है जहाँ पर अभी हम कैंपिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ से हर्षिल वैली जो है वो 70-80 किलोमीटर दूर है, और हम लोग कल रात को चले थे और आज रात को हमने रास्ते में रुक गए हैं यहाँ पर। हमारा टेंट तो कंप्लीट हो गया है, और अब जो है बाइक का सामान सारा अंदर करते हैं, तो उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आज की नई सुबह, और रात का देखो हमारा सारा बवाल फैला हुआ, और अब करेंगे सफाई। और ये हमारा ओपन ओपन किचन, ये देखो सफाई होते हुए। हाँ भाई पानी कैसा है? ट्रेनी पानी है, ट्रेनी बर्फ रखा, हाथ जम रखा। अरे कोई नहीं, उसको लगा उस पे ट्रेनी, हाथ जम। बंदे को फौज में कैसे करवाते हैं? तो ये ट्रेनिंग चल रही है भाई कैंपिंग की, अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना है तो बता देना कमेंट सेक्शन में। ये देखो, और अभी धीरज चौधरी जी बाल्टी भर के लाए हैं नदी पे से। भाई मजा आ रहा है इसको ना ऐसे छूने में, मजा आ रहा है पानी। अभी ये ठंडा पानी है ना, इसको ऐसे चेहरे पे लगाओ, देखो वाह क्या मजा आ रहा है सही में। तो फ्रेंड्स सुबह का ब्रेकफास्ट में अभी हमने कॉफी बनाई है, तो चीयर्स करो। करते हैं, चीयर्स टू करण, करण स्क्वायर। हाँ तो देख रहे हो आप, अभी थोड़ी देर बाद हम खाना वाना बनाएंगे, तो आज खाने में हमारी जो रेसिपी है
वो एकरी है, एकरी विद राइस। तो अभी वो बनाएंगे और लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ चारों साइड से। तो करण भाई जरा एक साइड लोकेशन दिखा दो। लोकेशन तो अभी तो क्या है, अभी तो यह इतना मजा नहीं आएगा वैसे लोकेशन में। लोकेशन तो बहुत बाकी सबसे बड़ी बात जो है, हमें कैंपिंग की इतनी अच्छी जगह मिली है कि मजा आ गया। अल्टीमेट प्लेस ये हमारे कैंप लगे हुए हैं और कॉफी इतनी टेस्टी बनी है दोस्तों कि मजा आ रहा है बहुत। सो फ्रेंड्स, हमने अपना ब्रेकफास्ट का काम शुरू कर दिया है। ये हो रहे हैं, कुछ लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तेज हवा चलने लगे। हाँ, एग फ्राई कर रहे हैं अभी हम और हमने सैलड वगैरह सब काट लिया है। तो अब हवा तेज हो गई है जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हमें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। चलो हटाओ। सो एक करी इज रेडी एंड राइस हमने डाल दिया अभी। तो लेट्स कंप्लीट दिस, उसके बाद हमारा होगा ब्रेकफास्ट कह लो या लंच कह लो, जो भी वो होगा। तो बस अभी ये देख रहे हो, ये वाली सिलेंडर हमने यूज़ किया है क्योंकि यार ये कैन है ना काम का नहीं है, जब आप ठंड में आते हो तो काम नहीं करता है। तो अभी इसको कर लेते हैं और ये रेडी होने दो, फिर मिलते हैं लंच पे। देखो दोस्तों कैसे लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ती है भाई, कैंपिंग इज नॉट सो इजी, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये देखो धीरज भाई लकड़ी इकट्ठी करके लाए हैं, इकट्ठी हम दोनों इकट्ठा किया है, मैं लेके आ रहा हूं बस। ये देख लो भाई, दिखा रहे हैं प्योर एडवेंचर। और देखो यहां पे फाड़ा वाला सब बन रहा है, गिर गया नीचे, कोई बात नहीं, चलो इसको यहां रखते हैं। हां ये हमारा बोनफायर का इंतजाम है आज रात को, ये रात को करेंगे। और अभी और लकड़ियां इकट्ठा करनी है क्योंकि इससे कुछ होगा नहीं, ये तो 2 मिनट का काम है बस। हाँ ये तो सिर्फ स्टार्टर है, स्टार्टर है बस, बाकी अभी करेंगे, बाकी अभी मेन कोर्स बाकी है, मेन कोर्स। हाँ बाकी ये देखो ये सब मामला तैयार हो गया है। सो फ्रेंड्स हमारा लंच ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, अब हम जा रहे हैं खाने एग करी और राइस। और ठंड में हालत हो रही है बहुत ज्यादा खराब भाई, क्यों धीरज मेहनत सफल है पूरा। तो खाना खाते हैं और थोड़ी सी प्याज रह रही है, वो प्याज लोगे आप? नहीं, चलो ठीक है फिर सर, खाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हो गया हमारा डिनर का टाइम और आज कुकिंग का जुम्मा मेरा है। आज मेन्यू में क्या है सर जी? आज मेनू में भाई चिकन मसाला, मतलब चिकन खिला रहे हो आज? हाँ अच्छा जी, हाँ पाजी आज चिकन खिला रहे हैं। आज भाई मैं चिकन खिला रहा हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। तो अभी हमने प्याज व्याज काट के सब, सर गलत बात मत बोलो, प्याज हमने काटा है, मेहनत का काम सारा मैं कर रहा हूँ, बाकी सर सेफ हैं तो खैर वो काम तो कर नहीं सकते, बस इन्हें बस डंडिया ही लाना आता है, देखो बैठ के हिला रहे हैं। ये देखो देखो अब ये थोड़े से मसाले की झलक दिखा दो अभी प्याज की। हाँ बस ये देखो, ये देखो बस ये बैठ के हिला रहे हैं, बाकी तो मैंने किया था सब कुछ, हिलाने की तो सारी कलाबाजी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, सॉरी। हाँ हाँ, तो दोस्तों अभी दिखाते हैं इससे आगे का प्रोसेस, कैसे चिकन मसाला चिकन करी बनाई जाती है। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। अब हमने डाल दिया इसमें चिकन और थोड़ी देर हो गई मेरे को इसको हिलाते हुए। सही बात, शकल दिखाता हूँ मैं आपको, देखो कैसा लग रहा है देखने में। मैंने पहले ही दिखा दिया यार, ये तो गलत बात है, चीटिंग कर दी ना फिर। नहीं नहीं, भावनाओं को समझता हूँ ना मैं, इसलिए मैंने पहले ही दिखा दी कि बार बार कहोगे भाई बिना कहे कुछ तो कर ले, मैंने कहा पहले ही दिखाता हूँ, मतलब फिर बोलने की जरूरत ही नहीं है। बाकी शकल तो बता रहा है ग्रेवी काफी अच्छा बनने वाला है, वैसे टच बनने से पहले कुछ मत बोलो।
बाकी खुशबू भी आ रही है दोस्तों थोड़ी बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेन हो तो टेंशन मत लेना, अपने पास आलू प्याज और उसके अलावा मैगी सब पड़ा है, सब कुछ है सब कुछ। भाई पानी आ रहा है मुंह में? आ रहा है तो बता दो, अगली बार हमारे साथ आ जाना तो आपको ऐसे फॉरेस्ट जंगल के अंदर कैंपिंग लगा के फिर आपको अपने हाथों से बना के खिलाएंगे, क्यों दोस्तों? कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा देखने में। अभी काम चालू है हमारा, इसके बाद आज राइस बनाएंगे और राइस बनाने के बाद फिर बॉनफायर करेंगे दोस्तों, वो भी दिखाएंगे आपको अभी, तो चलिए बने रहिए आप। फ्रेंड्स ये है हमारा बॉनफायर, पूरी ठंड के अंदर बहुत बुरी हालत हो रही है, बड़ी मुश्किल से लकड़ियाँ भी जलाई हैं, ये देखिए पूरा पैकअप हो चुका है। दिल्ली से हम लोग चले थे मंसूरी, मंसूरी से यहाँ पे आए उत्तरकाशी में, हमने स्टॉप किया यहाँ पर, हमें बहुत अच्छी जगह मिल गई। और सेकंड चीज़ कि यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हो और साथ में बहुत सारे होटल भी हैं, तो हमने यहीं पे स्टे कर लिया था रात को। जैसे कि आपने देखा खाना वाना बनाया सब कुछ किया हमने, फुल इन्जॉय किया, रिवर हमारे साथ में है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से हर्षिल वैली, तो अब लोग हर्षिल वैली जाएंगे अब हम, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रखा है तो वो भी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ का वीडियो दोस्तों यहीं पे क्लोज़ करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा यहाँ तक का हमारा सफ़र। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, आपका दोस्त करण वर्मा।